समिट 2023 के जरिए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में औद्योगिक विकास के साथ फिल्म सिटी निर्माण की दिशा में भी तेजी से प्रयास कर रही है। एक दिन पहले मुंबई में सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी डायस्पोरा की बैठक हुई। बैठक में निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बॉलीवुड की हस्तियों के साथ यूपी में फिल्म सिटी निर्माण और फिल्म उद्योग के विकास को लेकर भी मैराथन मंत्रणा के दौर चले। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में 2 एयरपोर्ट थे और अब 9 एयरपोर्ट संचालित हैं। 5 और एयरपोर्ट शुरू होने जा रहे हैं। यूपी 6 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। इन्वेस्टर्स समिट यूपी के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान सीएम योगी की मौजूदगी में फिल्म स्टार अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ, राजपाल यादव सहित बॉलीवुड के जाने माने चेहरों से यूपी के मंत्रियों और अफसरों ने मुलाकात की और राज्य में फिल्म सिटी के निर्माण और फिल्म उद्योग के विकास को लेकर लंबी चर्चा हुई। बरेली के कपड़ा कारोबारी हरमेंद्र जीत सिंह राजपाल की बेटी अमीषा का मुरादाबाद जंक्शन के पास रेलवे लाइन पर खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। अमीषा की शादी फेसबुक पर दोस्ती के बाद रुद्रपुर के पेट्रोल पंप कारोबारी रणदीप रोनी से हुई थी। वह 24 फरवरी 2022 को बरेली से विदा होकर ससुराल गई थी। पिता का आरोप है कि ससुराल में अमीषा को 15 लाख रुपए और कार की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि साजिश के तहत पति रणदीप कार से अमीषा को ले गया और हत्या कर लाश रेलवे पर फेंक दी। पिता की तहरीर पर थाना जीआरपी जंक्शन मुरादाबाद पुलिस ने पति व अन्य ससुरालियों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं ससुराली अमीषा की मौत को सुसाइड बता रहे हैं। मुरादाबाद में पोस्टमार्टम के बाद अमीषा का शव बरेली लाया गया। गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार किया गया। यूपी के बरेली में जबरन धर्मांतरण का एक और मामला सामने आया है। 11 बरस बाद नरक से मुक्ति पाने वाली दलित युवती ने पुलिस में कार्यवाही के लिए दस्तक दी है। पुलिस ने अपहरण, रेप व धर्मांतरण के मामले में आरोपी सादिक सहित कई लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह मूल रूप से बदायूं के बिसौली इलाके के एक गाँव की रहने वाली है। पिता की मृत्यु होने के बाद वह मामी के साथ बरेली में ही रहती थी। उस वक्त वह नाबालिग थी। कैंट के गांव मसीदगंज के रहने वाले सादिक ने उसे बहला फुसला कर अगवा कर लिया। जबरन धर्म बदलवा कर उसका निकाह सादिक के साथ करा दिया गया। उसे बंधक बनाकर रखा गया। विरोध पर टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी जाती थी। अब सादिक ने उसे घर से निकाल दिया। एसएसपी बरेली अखिलेश औरसिया ने बताया कि आरोपियों पर केस दर्ज कर थाना कैंट पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। मैदानी इलाकों में सर्दी का कहर जारी है। बरेली समेत पूरे प्रदेश में सर्दी से राहत नहीं मिली है। गिरते तापमान के बीच बरेली में शुक्रवार को कुछ देर की धूप ने थोड़ी सी राहत जरूर महसूस कराई, लेकिन शाम होते होते गलन के चलते लोग फिर से घरों में दुबक गए। शुक्रवार को बरेली में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक दर्ज किया गया। बता दें कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं शासन ने सर्दी के कहर को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों की छुट्टियां 15 जनवरी तक बढ़ा दी हैं। कक्षा 9 से 12 के स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। सर्दी का कहर इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी और जानवरों के लिए भी मुसीबत बनता जा रहा है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 2 मगरमच्छों की संदिग्ध रूप से मौत हो गई। मगरमच्छ की मौत की खबर से वन विभाग में हड़कंप मच गया। पीलीभीत के संडा नाले में ग्रामीणों ने शुक्रवार को 2 मगरमच्छों को मृत देखा तो वन विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर वन रेंजर और वन कर्मचारियों ने जाकर निरीक्षण किया। मगरमच्छों की मौत का कारण जानने के लिए मगरमच्छों के शव को पोस्टमार्टम के लिए बरेली के IVRI में भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मगरमच्छों की मौत का राज खुल सकेगा। बरेली में अवैध कॉलोनियों पर BDA का बुलडोजर फिर गर्जा। विकास प्राधिकरण के निशाने पर शुक्रवार को डोरा रोड पर बनाई जा रही कई अवैध कॉलोनियां रही। BDA दस्तों ने नियमों का उल्लंघन कर बनाई जा रही शिव विहार, साई गार्डन सिटी और वृंदावन धाम कॉलोनी में कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माण ध्वस्त करा दिए। BDA की कार्यवाही से हर तरफ हड़कंप मचा है। BDA प्रवक्ता के मुताबिक प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने डोरा रोड पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पीछे बड़ी कार्यवाही की। वहां बन रही अवैध कॉलोनियों पर BDA का बुलडोजर जमकर गर्जा। कॉलोनाइजर शिव विहार, साई गार्डन सिटी और वृंदावन धाम कॉलोनी के नाम पर अवैध कॉलोनियां विकसित कर रहे थे। प्राधिकरण के सहायक अभियंता अनिल कुमार ने प्रबंधन टीम की मौजूदगी में तीनों अवैध कॉलोनियों में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करा दी। अफसरों का कहना है कि अवैध कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण अभियान लगातार जारी रहेगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।